चाहे रात का टाइम हो चाहे सुबह के बजे हो 10, पर परांठा है सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परांठा प्रीमियर लीग में। आज हम ट्राई करेंगे 4 डिफरेंट ब्रांड्स के फ्रोजन परांठे और आपको बताएंगे किसका टेस्ट है सबसे बेस्ट। और ये फ्रोजन परांठे होंगे दीप के, दिव्या के, अशोका के और मिर्च मसाला ब्रांड के। तो हो जाइए तैयार परांठा के युद्ध के लिए। तो गाइस, शुरुआत करते हैं अपने पहले फ्रोजन परांठा से, जो कि है दीप का फ्रोजन परांठा। पकने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। वैसे तो पैकेट पे नहीं लिखा होता कि इसमें कोई तेल लगाने की जरूरत है, बट मैंने फिर भी थोड़ी शाइन के लिए 1 चम्मच तेल लगा दिया है इसपे। आइए लेते हैं इसकी पहली बाइट और आपको बताते हैं कैसा है जायका इसका। तो गाइस, ये मैंने इसकी पहली बाइट तोड़ ली है। ऐसा दिखता है अंदर से दीप का परांठा। इसमें मुझे धनिया दिख रहा है, आलू दिख रहे हैं और मुझे दिख रहे हैं चिली फ्लेक्स। बस इतना ही दिख रहा है वैसे मुझे। मैं देख लेती हूँ इसे खोल के अच्छे से, क्या कुछ और भी इसमें डाला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और मुझे ये दिखा है कोरिएंडर सीड। आपको नहीं दिख रहा होगा, बहुत छोटा है, बट कोरिएंडर सीड दिखा है मुझे। और हाँ, मुझे इसमें अब दिखा है एक जीरा भी। तो इसमें खड़े मसाले भी है। मुंह में पानी आ रहा है। तो लेते हैं इसकी पहली बाइट और आपको बताते हैं कि डीप के फ्लेवर्स भी उतने डीप हैं जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है। रायता है, रायता तो देना ही भूल गए। तो गाइस, पहली बाइट मैंने इसके परांठे की ले ली है और ये हमेशा ही जरा स्वादिष्ट है। परांठा बहुत ही जबरदस्त है। वैसा टेस्ट तो आपको नहीं मिलेगा जो आपको घर के फ्रेश आलू के पराठों का मिलता है, बट हाँ, जब कुछ ना हो, कनाडा जैसी ठंड में फंसे हो, आप स्टूडेंट हो, अकेले रहते हो, तो व्हाई नॉट, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। इसकी एक मैं बाइट लूंगी दही के साथ भी। गिरगी थोड़ी सी गिरगी। गरम गरम पराठा और साथ में ठंडा ठंडा रायता, मजा ही कुछ और है। तो गाइस, मेरी फेवरेट डिश तो है पराठा। फ्रेश मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, और फ्रेश ना मिले तो फ्रोजन भी चलेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ और किस किस का फेवरेट है पराठा, आलू का हो चाहे वो गोभी का, चाहे मूली का, चाहे मेथी का। तो फोकस करते हैं वापस अपने फ्रोजन पराठा पे, बढ़ते हैं अपने अगले पराठे की तरफ, अशोका जी का पराठा। तो अशोका जी, क्या आपका पराठा भी उतना ही ऐतिहासिक है जितना आपका नाम? चलिए पता लगाते हैं। अशोका जी का परांठा पकने के बाद कैसा दिखता है? मैंने जितना देखा कि सारे परांठों का साइज सेम है और सारे ही अपने पैकेट में 4-4 परांठे दे रहे हैं। दीप ने भी 4 परांठे दिए थे, अब अशोका जी भी 4 परांठे दे रहे हैं हमें। तो लेते हैं इसका टेस्ट और आपको बताते हैं इसका ऐतिहासिक जायका। तो ये तोड़ी मैंने पहली बाइट और ये खोल के, अरे खोली, खोल नहीं रहा है यहां से। ये देखिए, खोल के कुछ ऐसा दिखता है अंदर से। मुझे इसमें दिख रहे हैं आलू, लेकिन लाल लाल रंग के, जैसे हम लाल मिर्च डाल देते हैं आलूओं में तो लाल रंग के हो जाते हैं, वैसे वाले मुझे आलू दिख रहे हैं। जीरा दिख रहा है इसमें, धनिया दिख रहा है। सो बेसिकली इसमें सिमिलर वही चीजें हैं जो दीप के पराठा में थी, सिर्फ एक कलर का फर्क है जो कि लाल मिर्च से आया है। तो देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। पहले मैं इसकी सादी वाइट लूंगी, फिर दूसरी वाइट में इसकी लूंगी रायते के साथ। ये पराठा भी ऑलमोस्ट सिमिलर है दीप के पराठे से। फर्क सिर्फ इतना है कि दीप के पराठों में खड़े मसालों का जो फ्लेवर था वो थोड़ा ज्यादा खिलके आ रहा था एज कम्पेयर टू अशोका जी के पराठे। खड़े मसाले की खुशबू हो ना हो, पराठा तो पराठा है, पराठे में आलू है, पराठा बेस्ट है। अब लेते हैं हम इसकी दूसरी बाइट रायते के साथ, ठंडे ठंडे रायते के साथ। ये बना ली मैंने बाइट। अशोका जी, आपने मेरे टेस्ट बर्ड्स को तो कॉन्कर कर ही लिया है। काफी डिसेंट परांठा, आई लाइक इट, आई वुड से ये भी मस्ट ट्राई है, ट्राई तो करना एक बार जरूर। गाइस, आ गए हैं हम अपने तीसरे फ्रोजन परांठा की तरफ, जो कि है मिर्च मसाला का फ्रोजन परांठा। मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखने में कैसा लगता है पकने के बाद। तो गाइस, मैंने इसको पकाते हुए ये चीज नोटिस करी कि ये परांठा बाकी के परांठों से थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा ज्यादा फ्लेकी है। आपने शायद मालाबार परांठा या फिर लच्छा परांठा खाया होगा जो कि मैदे से बनता है, तो ये पराठा भी बिल्कुल वैसा है, फ्लेकी सा। ये मैदे का बना है, ये आटे का बना नहीं है। और एक और चीज, बाकी सब पैकेट्स में थे 4-4 पराठे, पर मिर्च मसाला ने दिए हैं सेम प्राइस में सिर्फ 2 पराठे। तो प्राइस महंगा और क्वांटिटी कम होने के कारण मैं उम्मीद कर रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन में और टेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं होगा। आइए लेते हैं अपनी पहली बाइट और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि क्या मिर्च मसाले के पराठे में उतना मिर्च मसाला है जितना वो एडवर्टाइज कर रहे हैं।
पहली बात तो गाइस ये पराठा दूसरे पराठा से मोटा है, आई वुड से उनसे डेढ़ गुना मोटा है। और मैं इसको खोल के दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे मैं इसको खोल रही हूँ तो इसकी लेयर्स निकल रही है, और इन लेयर्स के बीच में एक पतली सी लेयर है जो कि आलू से भरी है। इसमें आलू है और धनिया है और बस, नाम तो इनका मिर्च मसाला था, मसाला तो इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा। Oh, no. धनिया और उबले हुए आलू और आई थिंक नमक और थोड़ी सी मिर्च होगी शायद। तो इसमें गाइस कोई खड़े मसाले नहीं है, नाम से तो मिला है हमें धोखा। जैसा कि इसका नाम था मिर्च मसाला, वैसी तो कोई खास मसाले वाली बात है नहीं। तो चलो अब टेस्ट करके देखते हैं, क्या पता टेस्ट में बाजी मार जाए। मैंने इसकी पहली सादी बाइट ले ली है, इसकी दूसरी बाइट नहीं लूंगी रायते के साथ, क्योंकि ये पराठा फीका है और अगर मैं इसके साथ दही लगाऊंगी तो ये और फीका लगेगा। तो इसमें मिर्च मसाला तो छोड़ो, नमक मसाला भी नहीं है, सिर्फ एक बहुत ही पतली लेयर है पोटैटो की और उसमें शायद एक दो जगह कहीं धनिया का पत्ता डला हुआ है और बाकी ऊपर लच्छेदार सा पराठा है। जिसको लच्छे पराठे पसंद है, आलू से ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, उसके लिए जरूर अच्छा है। बट कमिंग टू अ पॉइंट कि ये आलू का फ्रोजन पराठा है तो उसके हिसाब से मुझे तो ये भाई कुछ जमा नहीं। प्राइस उतना ही दिया जितना बाकी फ्रोजन पराठे वाले ले रहे हैं और क्वांटिटी कर दी उससे आधी, बाकी सब दे रहे हैं हमें चार चार पराठे और इन्होंने दिए हैं सिर्फ दो पराठे और वो भी आलू की स्टफिंग जो है नाम मात्र है बीच में। आलू का पराठा तो इसको बोलना भी जायज नहीं होगा और इसका टेस्ट भी बस सोस ही है। बट मैं कहूंगी एक बार ट्राई करो, क्या पता आपके टेस्ट पैलेट को ये सूट कर जाए। तो गाइस बढ़ते हैं अपने आखिरी पराठे की तरफ जो कि है दिव्या का आलू पराठा। तो ले आए हैं हम दिव्या का पराठा और मैं आपको दिखा देती हूँ ये पकने के बाद कैसा दिखता है। दिव्या ने भी हमें दी है चार आलू के पराठे। ये पराठा देखने में थोड़ा रोटी जैसा है तो पहले मैं इसको आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये ऐसा दिखता है अंदर से, इसमें मुझे दिख रहा है धनिया आलू, बस गाइस धनिया और आलू दिख रहा है। मैं एक्चुअली सेंटर से बाइट तोड़ती हूँ, कई बार क्या होता है कि खड़े मसाले साइडों पे नहीं आते पर सेंटर में होते हैं। तो लेट मी नहीं है कुछ, इसकी शक्ल देख के और इसकी फीलिंग देख के तो मेरी उम्मीद थोड़ी सी कम हो गई है इससे, बट आई होप ये स्वाद में कोई कमाल कर जाए और ये मुझे पसंद आ जाए पराठा। तो लेते हैं इसकी पहली बाइट। क्या है ये, क्यों है ये गाइस इतना ड्राई है पराठा। अपनी सादी बाइट ले ही नहीं पाई पहले, मुझे पहली बाइट में ही दही खानी पड़ी ऊपर से, बहुत ड्राई है, गले से उतर नहीं रहा है पराठा। और बाकी मैं कह सकती हूँ जैसा कि मैंने आपको बोला था कि रोटी लग रही है आलू की, पराठा नहीं लग रहा। नमक इसका ठीक ठाक है, कोई मसाला मुझे इसमें कोई फील नहीं हो रहा। गाइस मुझे तो इसका स्वाद कुछ सूट नहीं करा, मुझे तो समझ नहीं आया। तो अगर मुझे फ्रोजन पराठे ऑर्डर करने होंगे कभी बाहर से तो मैं दिव्या का तो नहीं करूंगी, दूसरे ब्रांड्स के करूंगी। आलू की रोटी नहीं खानी मुझे, खाना मुझे आलू का पराठा ही है। दोस्तों आज का विनर है कौन, दीप, दिव्या, अशोक का या फिर मिर्च मसाला का फ्रोजन आलू का पराठा? क्या गेस है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। विनर है आज का दीप का फ्रोजन आलू का पराठा। गाइस मेरे घर में तो यूजुअली पराठा को बोला जाता है परौठा, जैसे पंजाबी बोलते हैं परौठा लगा दे यार, बाकी जगहों पे नॉर्मली बोला जाता है पराठा और मैंने सुना है परौठा भी। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो आपके यहाँ या आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपकी स्टेट में क्या बोलते हैं पराठा को। अगली बार मैं लेके आऊंगी आपके लिए और किसी पराठे का चैलेंज या फिर और किसी डिश का चैलेंज। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ कनाडा फूडी के साथ। भूलना नहीं, क्या नहीं भूलना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना और शेयर करना वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ और उन तक भी पहुंचाना कनाडा के फ्रोजन पराठों का जायका। तो मुलाकात होती है आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।